The unfortunate incident where a Shiv Sena MP forced chapati into the mouth of a catering supervisor at the Maharashtra government's official guest house in Delhi has received criticism from various political quarters. The man was a Muslim named Arshad Zubair and was fasting for Ramadan. Congress leader Renuka Chaudhary today condemned the incident, terming it irresponsible behavior by the Shiv Sena member. Shiv Sena has also denied the allegation. एक नया ये शुरू कर दिए है शिवसेना वाले, गैर जिम्मेदार बिहेवियर जो ये लागू कर रहे हैं और ये जो हरकत चली है आज के दिन, बड़ी अफसोस की बात है। ये सिर्फ ये नहीं कि रमज़ान के वक्त पे किसी को ज़बरदस्ती रोटी खिलाना जब वो रोज़े रख रहे हैं, मगर इनकी मानसिक तौर से कितने हिले हुए हैं, इनकी संतुलन की बात आ रही है आज के दिन कि ये लोग ऐसे सोच भी सकते हैं और इसमें सॉरी कह दिए तो बात ख़त्म। तो अब इनको सोचना चाहिए, अगर वो जिम्मेदार आदमी है, अपने आप को मानते हैं और खड़े होते हैं, तो सारा देश की जिम्मेदारी भी उनको लेना। पावर्ड बाय NNIS।